हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जस्ट टू नो चैनल। डियर फ्रेंड्स, मैं अमनदीप कौर लेके आई हूँ आज आपके सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे हमारे रेशो वाले डे फोर के जो चल रहे थे। हमारा डे फोर के 22 क्वेश्चन हो गए थे और आज हम करने जा रहे हैं 23rd क्वेश्चन। इसने बोला है ₹1360 हैव बीन डिवाइडेड अमंग ए बी सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 1360। That A gets 2/3 of which B gets and B gets 1/4 of which C gets, then B का शेयर बताना हमें। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 1360, ठीक है, उसको डिवाइड करना है A, B और C। A को मिलते हैं 2/3 B के जितने, ठीक है, of which B gets, okay। So next है and B gets 1/4 which C gets, ठीक है। ऐसे हमारे पास जैसे जैसे दिया गया वैसे ऐसे हम लिखते जाएंगे। तो a बाय b हो जाएगा, तो यानी कि a की वैल्यू 2, b की 3, b बाय c इधर आ जाएगा तो 1/4। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, b की आ गई 3 और यहाँ पे b की आ गई 1 और c की आ गई 4, ओके। अब ये b की वैल्यू को हम इक्वल करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल हो जाएगी। तो ये तो 3 है ही, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 3 1 3 और 4 3 12। उसने बोला है कि टोटल तीनों को 1360 दिया हुआ है, तो अब इन टोटल इनका करेंगे 15 16 17 17 हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसको डिवाइड कर देंगे 17 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, तो ये हमारा कट हो रहा है 17 8 136 और 0, ओके। उसने बोला है कि B का शेयर बताओ, B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 और 18 3 8 3 2 24 और 0, ये हमारी वैल्यू आ गई B की, ₹240 इज द आंसर, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया आपका, सेकंड, यहाँ पे सी आंसर आ गया आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 24th क्वेश्चन है इनकम ऑफ टू कंपनीज 24th, ए और बी का शेयर बताया हुआ है कि इनका रेशियो दिया हुआ है 5 और 8। हैड द इनकम ऑफ कंपनी ए बीन मोर बाय ₹10 लाख, द रेशियो ऑफ देयर इनकम वुड हैव बीन 5 और 4 हो गया, व्हाट इज द इनकम ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी की इनकम बतानी है। तो ये हम कैसे करेंगे, इनकम ऑफ ए और बी, ए और बी का रेशो कितना दिया हुआ 5:8। उसने बोला कि एट द इनकम ऑफ कंपनी ए हैव बीन मोर देन 10 लाख, द रेशो ऑफ देयर इनकम वुड है, उसके बाद 5 और 4 बन जाता है। उसने बोला ए का जो है वो 10 लाख है। हैड द इनकम ऑफ कंपनी ए बीन मोर बाय द 10 लाख, 10 लाख ए बढ़ा देती है और उसका चेंज हो जाता है। अब इसने बोला कि ए का चेंज हुआ है ना रेशो, तो हमें तो बी का, ए में हमें बड़ा है तो ए का अगर मान लो चेंज होना चाहिए, बी का तो सेम रहना चाहिए ना, तो बी का हम सेम करेंगे क्योंकि ए का तो सेम है, ए का चेंज होना चाहिए, बी का जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, बी को हम वैसे बना देंगे जितना पूरा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 10, 5 कहाँ से आया, 10 माइनस 5, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस वैसे तो 5 है, तो वैसे इसने दिया हुआ है कि ये 10 लाख जो है उसका बढ़ जाता है। तो उसने बोला कि व्हाट इज द इनकम ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी का हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बी का कितना है 8, तो 5 2 द यानी कि 8 2 द 16 लाख आपका आंसर आ जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सो होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन। इसमें बोला है जिंक और कॉपर आर मेल्टेड टुगेदर इन द रेशियो 9:1 में, मतलब कि उसको मेल्ट किया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेल्टेड मिक्सचर, मेल्टेड मिक्सचर का हमें लेंथ बताना, वेट बताना सॉरी, इफ 28.8 किलोग्राम ऑफ जिंक हैव बीन कंज्यूम्ड इन इट। तो जिंक और कॉपर का मेल्टेड टुगेदर 9 और 11, जिंक कॉपर 9 और 11, व्हाट इज द वेट ऑफ द मेल्टेड मिक्सचर इफ 28.8 किलोग्राम ऑफ जिंक हैव बीन कंज्यूम्ड। 28.8 जो है हमारी जिंक लगी है, तो उसने बोला है कि
व्हाट इज़ द वेट ऑफ मेल्टेड मिक्सर, मेल्टेड मिक्सर का जो वेट है वो कितना होगा। अगर ये हमारी जिंक लगी है तो हमें बताना है किसका है, मिक्सर का बताना है। तो मिक्सर टोटल हमारे पास हो गया 20, और ये हमारे पास क्या है, जिंक है। जिंक होगी तो मतलब हमें एक का निकालना होगा, डिवाइड बाय 9 कर दो, और हमें उसके बाद मिक्सर का निकालना है। जिंक का बताया हुआ है तो हमें निकालना है किसका है, मिक्सर का निकालना है। तो डिवाइड बाय 20 कर दो, इसको हम कट करेंगे 9 3 का 9 2 का, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 6, यानी कि 64 किलोग्राम आपका जो है वो कंज्यूम हुआ। क्या, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द मेल्टेड मिक्सर, मिक्सर का जो वेट हुआ कितना हुआ, 64 किलोग्राम आपका आंसर आ गया। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। टू नंबर्स आर इन रेशियो 1:3 और 1:2 दिया हुआ है। व्हेन ईच ऑफ दीज इज इंक्रीज्ड बाय 10, दोनों में हमें 10 ऐड करना है, तो उनका रेशियो बन जाता है 3:3, 4:5, 1:4, ये उनका रेशियो बन जाता है। दोनों में इंक्रीज करना है तो उसके बाद ये बन जाता है, तो हमें ग्रेटर वैल्यू बतानी है आपको, नंबर बताना है, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे 15:4 आ जाएगा, और इसको हम सोल्व करेंगे 21:4 आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमें इसको अगर सॉल्व करना हो तो इसका तो हमें क्या एलसीएम लेते हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, या फिर आप वो भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई आल्फा। तो आप अगर 6 से डिवाइड करो, 2 इनका एलसीएम 6 आ गया, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यानी कि 2:3 आ गया, ठीक है। ऊपर वाले का वैल्यू और नीचे वाले की वैल्यू क्या आती है, 4, 15 और 21, इसको हम कट भी कर सकते हैं 3 पे 3 5 3 7, ठीक है। तो यानी कि 2:3 और 5:7 आ गया। अब इसने बोला कि दोनों में 10 इंक्रीज करने पे इंक्रीज कर देते हैं, दोनों में इंक्रीज करते हैं, बट अगर दोनों में इंक्रीज हुआ है तो इनका रेशियो देखो, ये भी तो इक्वल होना चाहिए स्पेस, है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो हमें डिफरेंस सेम बनाने के लिए मैंने पहले भी आपको करवाया, इन दोनों का डिस्टेंस देखो, इन दोनों का देखो। अब ये जो आ गया डिस्टेंस आ गया, अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 2 से करोगे, तो कितना आ जाएगा, 4, 3 2 6, ये आ जाएगा 5 1 5 और 7 1 7, इन दोनों का डिस्टेंस कितना 1 का, तो 1 की वैल्यू दी हुई है आपको 10। तो अगर आपको उसने पूछा गया है द ग्रेटर ऑफ द नंबर, तो ग्रेटर ऑफ नंबर हमारे पास कौन सा निकलेगा, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेटर नंबर ऊपर ए बी वाली जो पहले वाली है, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, 6 वाली, तो 6 × 10 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 60। ओके, तो यहाँ पे देखो 60 है। अगर मान लो कि वैसे उसने बोला होता ग्रेटेस्ट अगर वैल्यू बतानी होती तो हम 7 के अकॉर्डिंग निकाल देते, 7 के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास 6 के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो 6 की पहली वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग हम 6 × 10 कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर इज 60। ओके, सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27th क्वेश्चन में है, इफ ₹510 बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया सच वे दैट ए गेट्स, बहुत सिंपल है जैसा कि हमने पहले किया है, ठीक है। ए को मिलता है 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स, एंड बी गेट्स 1/4 व्हाट सी गेट्स, देन देयर शेयर्स आर रिस्पेक्टिवली। तो हम वैसे ही निकालेंगे ए बाय बी, ये भी इधर चला गया, 2/3, b/c 1/4। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू, a की आ गई 2, b की आ गई 3, b की आ गई 1, c की आ गई 4। तो हमें अब b की वैल्यू को इक्वल करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2, 3, 3 1 3, 4 3 12, यानी कि 2:3:12 हमारे पास आ गया। और उसने पूछा गया था क्वेश्चन में देन देयर शेयर बताने हैं, इनके शेयर, ठीक है। अब शेयर बताने के लिए हमारे पास इन्होंने वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, टोटल 5 10, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल हम करेंगे तो 17, तो 5 10 / 17 ये कट हो जाएगा 30 पे। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग निकालनी है हमें, 30 × 2 = 60, 30 × 9 = 3 = 90, और 30 × 12 = 360, यानी कि 360। तो हमारे पास आंसर आ गया
60, 90 और 360। ये हो गया आपका 27th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन में है आपका पूछा गया है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 28th। तीन का नंबर का सम दिया हुआ 91। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 28th क्वेश्चन में आपको सम दिया हुआ है थ्री नंबर्स का 91। इफ द रेशियो बिटवीन वन और टू, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4 और इनका नंबर कितने हैं 91 टोटल नंबर इनका दिया हुआ है, ठीक है, सम दिया हुआ है। एंड दैट बिटवीन द सेकेंड और थर्ड के बीच में रेशियो है 2:3, देन व्हाट इज द सेकेंड नंबर बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें बी की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। 3:4:6 आ गया, ए बी सी हो गया, ठीक है। तो इन्होंने टोटल कितना दिया है 91, तो इनका हमारे पास टोटल कितना हमारा 13। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 91/13 कर देंगे, 7 आ गया। अब उसने पूछा है कि सेकंड नंबर बताना है, तो सेकंड हमारे पास वैल्यू कितनी है 4, 7 4 20 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज डी ऑप्शन। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 29th क्वेश्चन पे। 29th क्वेश्चन में है ए सम ऑफ रुपीज 85 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी के बीच में डिवाइड किया गया ए वे दैट ए गेट्स रुपीज 5 लेस देन व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स रुपीज 6 मोर देन व्हाट सी गेट्स, द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स इज। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ए सम ऑफ 85 आपको दिया हुआ है, टोटल इनका सम दिया हुआ है ए बी सी और के बीच में, ए गेट्स रुपीज लेस, ए है बी है, ए जो है वो ए गेट्स 5 लेस, यानी कि अगर इसका 5 1 है तो ये किससे, इससे लेस है, यानी कि अब हम माइनस करेंगे बी में से 1, तो यहाँ देखो सॉरी तो यहाँ देखो 5 6 ये बन रहा है ना, इसने बोला कि ए 5 लेस है, तो अब ये ए 5 लेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स रुपीज 6 मोर देन व्हाट सी गेट्स 6 मोर, अगर सी इसका ये है तो इसका 6 ज़्यादा हो रहे हैं ना, ठीक है। इसमें कितना डिफरेंस है 6 का, इसमें कितना 5 का, ए गेट्स 5 लेस देन देना, तो यहाँ पे 6 मोर देन थे बी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बी की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे इसको 6 से, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7:42 और 6, ये हमारा रेशियो बन गया। सम हमारे को दिया हुआ है 85, अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 55। तो हम वैसे ही जैसे हम पहले निकालते हैं वैसे ही इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे और ये हमारे पास फाइंड हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे अगर इसको हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये हमारा 115 पे कट करते हैं 7 था, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 11 आ जाएगा, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं डिवाइड में आ रही हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में कोई भी डिवाइड में नहीं आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर नन आएगा, ठीक है। तो आप इसका वो एलसीएम भी निकाल सकते हो लास्ट में, बट तो फिर भी इनकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल नहीं आ रही, तो इसका आंसर नन आएगा। ओके, अगर फिर भी आपको डाउट है तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कैसे करना है, आपको नेक्स्ट वाला करवाई देती है कंप्लीट, ठीक है। ये आ गया 11, ऐसे नेक्स्ट वाले की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगर ये कट हो जाएगा तो 17/11 मल्टीप्लाई 42, ठीक है, 17/11 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। तो ये सारी जो है वैल्यूज इस तरह से आएंगी और आपकी कोई भी वैल्यू जो है इससे रिलेटेड नहीं होगी, तो इसलिए इसका आंसर ई आ जाएगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट 30th क्वेश्चन पे। 65 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन सच ए वे दैट फिफ्थ 65 को डिवाइड करना है, फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट एंड एट्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड इज इक्वल आर इक्वल, ठीक है, द सेकेंड पार्ट बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स बाय वाई आ जाएगा, 1/8 है तो 5/1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/8, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, वाई की आ जाएगी 8। सेकेंड पार्ट हमें बताना है एक्स और वाई, इन्होंने बोला कि
टू पार्ट्स है, 65 को डिवाइड करना है टोटल को, है ना। तो ये आ गया टोटल इनका हो गया 13, तो 65 डिवाइड बाय 13 5 आ गया। तो 5 यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 द 25, 5 8 द 40, ठीक है। तो उसने पूछा क्या था सेकंड की वैल्यू, तो सेकंड की वैल्यू आ जाएगी 40। ओके सो होप सो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 31st क्वेश्चन के। 31st क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्शन कंपनी ए इज 120% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी एंड 80% ऑफ एंड यानी कि ए की बात बोली गई है। ये ए जो कंपनी है 120% है बी का एंड 80% है प्रोडक्शन ऑफ सी, यानी कि ए और सी 80% है सी का। ये 100% होगी तभी 120 होगी, परसेंट के अकॉर्डिंग हमें 100 के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए बी सी, इनका प्रोडक्शन का वो रेशियो बताना है। अब यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 80 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वल करेंगे, किसको, ए को हमें बराबर करना है, तो इसको हम कर देते हैं 12 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई। जो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 69, ठीक है। तो ये आ जाएगा 800, तो ये तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया, तो इसकी हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1200, इसको हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर ये कट होता है तो फिर से कट कर देते हैं 4 पे, ठीक है। ये फिर से कट हो रहा है, ये कट हो रहा है 2 पे, 2 1 दा 2 5 दा, तो ये हमारे पास आ गया 12:10:15। तो ये इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि इनका प्रोडक्शन का रेशियो बताना है, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, आंसर नंबर सी। ओके सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32nd क्वेश्चन है, समीर मेहरा एंड कियारा रेंटेड ए सेट ऑफ डीवीडीज एट द रेंट ऑफ 3578, तीनों का जो दिया हुआ है रेंट, इफ दे यूज्ड इट फॉर 8 hours, 12 hours, and 14 hours रेंट उन्होंने दिया रिस्पेक्टली, बट क्यारास शेयर ऑफ रेंट, क्यारा यानी कि लास्ट है समीर महीरा क्यारा, तो इसने बोला कि क्यारा का रेंट हमें बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम है, सिंपल है, हमने जैसे पहले किया, अगर ये कट होते हैं तो पहले ही हम रेशो करके कट कर देते हैं रेशो, ठीक है। ये किस पे करेगा 24 था, 26 था, 27 था, तो ये आ गया हमारे पास टोटल ये, तो इसको हम करते हैं टोटल, तो ये आ जाएगा 17 आने के बाद हमें निकालना किसका, 11 का हमारे पास कितना आया 7, तो 17, तो हमारे पास टोटल उन्होंने कितना दिया हुआ है 578 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई 7, तो ये कट करेंगे 17 के टेबल पे हम इसको कट करते हैं 6 4 द, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 223, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 238 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर इज 238। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप क्वेश्चन कमेंट में जरूर पूछिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से करवाती रहूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd क्वेश्चन, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ सन मदर फादर एंड ग्रैंड फादर। लो जी, सन मदर फादर ग्रैंड फादर इनका रेशियो दिया हुआ है 2, 7, 8 or 12। ओके द एवरेज एज ऑफ सन एंड मदर, एवरेज एज ऑफ सन और मदर की दी हुई है, दो जनों की दी है, तो मैंने पहले भी आपको बोला था हुआ है क्लास में, अगर एवरेज बोली हो, कितने जनों की पूछी हो, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया इन दोनों की एवरेज एज 54 होगी। व्हाट विल बी द मदर एज आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद उसकी मदर की एज कितनी होगी, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनका हमें दिया कितना हुआ है, ये हो गया 54 के इक्वल, तो 54 हो गया,
तो वैसे इनका सम कितना बन रहा है, 7 और 2 9 बन रहा है, तो वैसे इन्होंने कितना दिया हुआ है 54। तो 54 डिवाइड बाय 9 तो हमें निकालना किसका है, मदर का निकालना है। तो मदर की एज हमें कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है, तो इसको हम कट करेंगे, 6 पे कट होएगा, 42 हो जाएगा। उसने बोला है वट विल बी द मदर्स इज आफ्टर 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स इसमें ऐड कर देंगे, 9 और 4 यानी कि 42 इसका आंसर आ जाएगा। ओके सो होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34th क्वेश्चन पे। आई थिंक इस कि हम 35 क्वेश्चन है टोटल। ओके इस डे वाले क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पॉइंट कमेंट भी कीजिए ताकि मैं आपको क्लियर करवा सकूँ। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम, रोहन एंड राज 3, 4, 5 है। इफ द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, तीनों की प्रेजेंट एज एवरेज बोल रही है तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ। ओके देन व्हाट वुड बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रोहन टुगेदर आफ्टर 5 ईयर्स। तो पहले राम, रोहन और राज, राम रोहन राज, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 3, 4 और 5। इफ द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 23, तीन जाने हैं 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज एज है तो 84 आ गया। देन वट वुड बी द सम ऑफ एजेस ऑफ राम, रोहन टुगेदर आफ्टर 5 ईयर्स। तो हमें आफ्टर 5 ईयर्स हमें बताना है, 84 इनका ये आ गया और राम और रोहन का ही बताना है ना, तो राम और रोहन का यहाँ पे कितना बन रहा है हमारे पास, टोटल कितना आ रहा है, 7। और इसने बोला क्या है कि हमें तीनों का बताया हुआ है तो हमें बताना सिर्फ राम और रोहन का है, तो राम और रोहन का हमारे पास यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 आ गया तो हमारे पास इनका एवरेज के अकॉर्डिंग निकाल देते हैं, 84 इनकी एवरेज है, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एक मिनट, तो हम ये टोटल देखेंगे, टोटल ये कितना हमारे 84 था टोटल यहाँ पे आ गया, और इनका टोटल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना, तो 12 आ रहा है तो हम 12 लगाएंगे, और हमें दोनों का निकालना है इकट्ठा, तो हम दोनों का इकट्ठा निकालेंगे तो 7 के साथ निकालेंगे। समझ में आया, 84 हमें दिया हुआ है, 84 तो हमारे पास एवरेज टोटल आ गई, और तीनों का जो रिजल्ट आ गया, तीनों का रिजल्ट 12 आ गया, हमें एक का निकालना है, 12 के साथ डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमें 7 का निकालना है, 7 का निकालेंगे, इसको हम कट कर देंगे, 7 दा 49 आपका आंसर आ जाएगा आंसर। उसके बाद उसने बोला क्या है, राम रोहन की इकट्ठे दोनों का जो सम होगा टुगेदर आफ्टर 5 ईयर्स, टुगेदर बोला है, टुगेदर फाइव आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल उसके बढ़ेंगे राम के और 5 साल उसके बढ़ेंगे रोहन के, दोनों के बढ़ जाएंगे, तो ये टोटल इनका आंसर आ जाएगा 95 यानी कि 59 आपका आंसर आ जाएगा। ओके सो होप्स आपको ये क्लियर हो गया हो। तो चलते हैं हम इस डे वाले, इस डे के लास्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन, तो हम करते हैं 35th क्वेश्चन। तो लास्ट वाला हमारा आंसर क्या था, 59 ईयर्स। ओके सो नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ मनोज एंड वसीम इज 3:11, वसीम इज 12 ईयर्स यंगर देन रेहाना, वसीम 12 ईयर यंगर है, यंगर यानी कि छोटा है, ठीक है, इससे 12 ईयर छोटा है, अगर ये 1 का है तो ये 13 का है, ठीक है। रेहानाज एज आफ्टर 7 ईयर्स विल 85 ईयर्स, वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज फादर आफ्टर हु इज 25 ईयर्स ओल्डर देन मनोज। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका हमें पता है दोनों का रेशियो दे दिया, उसके बाद जो है इन दोनों का डिफरेंस तो बता दिया, और ये भी बोल दिया कि 7 साल बाद जो है, 7 साल बाद 85 ईयर्स हो जाएगा रेहाना की एज, 7 साल बाद
85 हो जाएगी। तो 7 साल पहले कितनी थी? 7 साल पहले 85 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 78। और वसीम की पहले हमें बताई हुई है कि जो वसीम है ना वो 12 साल छोटा है, तो इसमें से हम 12 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 66। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, सो इसने बोला है कि रेहाना इज आफ्टर 7 ईयर्स 85 हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यूँ चलना पड़ेगा। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वसीम की दी हुई है 11, यहाँ पे दिया हुआ है 66, तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 8 द 6 3 द 18, इसको करेंगे 66, तो ये तो हो ही गया, यहाँ पे आ जाएगा 78। अब उसने बोला है कि मनोज की फादर की आयु कितनी होगी जो कि उससे 25 साल बड़े हैं, तो ये जो मनोज की आयु आएगी इसमें हमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसके फादर की एज, तो फादर की एज कितनी होगी, 43 ईयर्स। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस डे का। तो नेक्स्ट हम करेंगे मिक्सअप, जो क्वेश्चन होंगे वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। रेशो की 2 क्लासेस और रह गई हैं, आई थिंक 2 ही लगेंगी, उसमें मैं सारे कंप्लीट करवा दूंगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर आपको ये क्लियर हो रहे हैं सम, तो ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ और आपको और अच्छे से करवाती रहूँ। थैंक यू सो मच।